फ्रेंड्स एंड वेलकम टू खबर बॉलीवुड। निर्देशक मंसूर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर हिंदी सिनेमा की सबसे शानदार मूवीज में से एक मानी जाती है। दोस्ती की मिसाल कायम करने वाली इस फिल्म के बारे में आज भी खूब चर्चा की जाती है। आमिर खान, आयशा झुलका और दीपक तिजोरी जैसे कई कलाकार जो जीता वही सिकंदर में अहम भूमिकाओं में मौजूद थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आमिर खान की इस फिल्म के लिए अभिनेत्री आयशा झुलका मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी। उनका किरदार सबसे पहले सुचित्रा पिल्लई को ऑफर हुआ था। 90 के दशक में एक्ट्रेस आयशा झुलका का नाम उस वक्त टॉप पर था। आलम यह था कि हर तीसरी मूवी में लगभग आयशा लीड रोल में नजर आती थी, लेकिन इसके बावजूद वो जो जीता वही सिकंदर के लिए मेकर्स की फर्स्ट चॉइस नहीं थी। हाल ही में एक्ट्रेस सुचित्रा पिल्लई ने इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला साल चल रहा था, उस दौरान मुझे जो जीता वही सिकंदर की अंजलि का किरदार ऑफर हुआ था, जिसे बाद में आयशा झुलका ने निभाया। मैंने विचार किया कि मैं अपने 6 महीने इस प्रोजेक्ट को नहीं दे सकती, इस वजह से शायद मेरे हाथ से ये मौका निकल गया। उनके इस बयान से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने पढ़ाई की वजह से आमिर खान की इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। बेशक सुचित्रा पिल्लई जो जीता वही सिकंदर का हिस्सा नहीं बन पाई, लेकिन उन्होंने अपने लंबे एक्टिंग करियर में बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे पर अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी है। मालूम हो कि आमिर खान की शानदार फिल्म दिल चाहता है में सुचित्रा नजर आई थी। एंड फ्रेंड्स, फॉर मोर अपडेट्स प्लीज टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक खबर बॉलीवुड। थैंक यू।